सत्यवाणी। आज हम आपको दुर्गा सप्तशती के कुछ रहस्य के बारे में बताएंगे कि दुर्गा सप्तशती के पाठ करने से, कौन सा पाठ करने से क्या चीज की प्राप्ति होती है। जैसे प्रथम अध्याय का पाठ करने से हर प्रकार की चिंता मिटाने के लिए प्रथम अध्याय का पाठ करना चाहिए। किसी भी प्रकार की चिंता हो आपको, प्रथम अध्याय का बारंबार पाठ करने से आपकी चिंता खत्म हो जाती है। द्वितीय अध्याय का पाठ करने से मुकदमे, झगड़े आदि में विजय प्राप्त की जा सकती है। बार बार घी का दीपक लगा करके बार बार द्वितीय अध्याय की आवृत्ति करते जाएं, तो आपके यदि मुकदमे वगैरह चल रहे हो, किसी से झगड़ा चल रहा हो, तो उसमें विजय अवश्य प्राप्त होगी आपकी। क्यों होता है इसमें? क्योंकि इसमें देवताओं के तेज से मां दुर्गा का अवतरण हुआ था और महिषासुर सेना का वध हुआ था। यदि शत्रु से छुटकारा पाना चाहते हो तो दुर्गा सप्तशती के तृतीय अध्याय का बारंबार पाठ करना चाहिए। शत्रु स्वतः आपसे दूर हो जाएगा, या फिर आपसे मित्रता कर लेगा, या फिर शत्रु का नाश हो जाएगा। क्योंकि तृतीय अध्याय में महिषासुर और उसके सेनापति का वध हुआ था, तो वो भी शत्रु था, देवताओं का शत्रु था। तो तृतीय अध्याय का बारंबार पाठ करने से शत्रुओं से छुटकारा प्राप्त हो जाता है आपको। और यदि मनुष्य को मां की भक्ति, शक्ति तथा दर्शन करना हो तो उसे चतुर्थ अध्याय का बारंबार पाठ करना चाहिए। चाहे हिंदी में पाठ करे, संस्कृत में पाठ करे, किसी भी अपनी स्थानीय भाषा में पाठ करे। मां की स्तुति है इसमें, तो इसमें भक्ति जागृत होती है, शक्ति प्राप्त होती है और मां के दर्शन के लिए आपका मन लालित रहता है। पंचम अध्याय का बारंबार पाठ करने से भक्ति, शक्ति तथा दर्शन प्राप्त होती है। यदि किसी व्यक्ति को मां की भक्ति और शक्ति प्राप्त करना हो तो उसे चतुर्थ और पंचम दोनों अध्याय का लगातार पाठ करते रहना चाहिए। अब लगातार पाठ करने का मतलब यहां पे बारंबार ये आता है कि कम से कम 9 दिन में 108 बार पाठ हो जाना चाहिए और उसका दशांश हवन भी करना चाहिए। यदि किसी मनुष्य को डर हो, किसी को शक हो, कोई बाधा हटाना हो, तो उसे बारंबार छठे अध्याय का पाठ करना चाहिए। श्री दुर्गा सप्तशती के प्रत्येक अध्याय में कुछ न कुछ महत्व छिपा हुआ है। तो डर को खत्म करता है, शक को खत्म करता है। किसी कार्य में बार बार बाधा उत्पन्न हो रही हो तो छठे अध्याय का बारंबार पाठ करना चाहिए। और यदि कामना पूर्ति करना हो, आपकी कोई इच्छा पूर्ति लेना है, तो उसके सप्तम अध्याय का बारंबार पाठ करना चाहिए। किसी का वशीकरण करना हो, पति पत्नी में झगड़ा हो, माता पिता में झगड़ा हो, बाप बेटे में झगड़ा हो, मां बेटी में झगड़ा हो, पुत्र नहीं सुनता हो, पुत्री नहीं सुनती हो, तो वशीकरण करने के लिए, मिलाप करने के लिए बारंबार अष्टम अध्याय का पाठ करना चाहिए। इससे नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है, घर के अंदर मेल मिलाप रहता है, घर के अंदर क्लेश नहीं रहता है। और यदि कोई व्यक्ति गुम गया हो, घर से भाग गया हो, उसको बुलाना हो, तो नवम अध्याय का बारंबार पाठ करना चाहिए और हवन करना चाहिए। तो गुमशुदा व्यक्ति का संकल्प लेकर के बारंबार पाठ करें तो निश्चित तौर से वो व्यक्ति घर चला आएगा। प्रयोग करें और फिर अनुभव साझा करें। इसी प्रकार से गुमशुदा को ढूंढने के लिए और पुत्र की कामना के लिए और अपनी स्वयं की कामना के लिए दसम अध्याय का भी पाठ करना चाहिए।
मतलब यहां पे कहने का अर्थ यह है कि यदि कोई व्यक्ति गुम गया हो, घर से भाग गया हो, किसी का पता नहीं चल पा रहा हो, व्यक्ति घर पे नहीं आ रहा हो, तो नवम और दसम अध्याय मतलब नौवा अध्याय और दसवें अध्याय का बारंबार पाठ करना चाहिए श्री दुर्गा सप्तशती की किताब का। व्यापार व सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए एकादश अध्याय का पाठ करना चाहिए। व्यापार निश्चित तौर से आपका बढ़ेगा, सुख समृद्धि अवश्य प्राप्त होगी यदि आप बारंबार एकादश अध्याय का पाठ करेंगे। और यदि आपको मान सम्मान चाहिए, लाभ प्राप्त चाहिए, तो देवी जी के चरित्र का द्वादश अध्याय का पाठ करना चाहिए। निश्चित तौर से आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी। भक्ति प्राप्त करने के लिए और देवी जी का वरदान प्राप्त करने के लिए 13वें अध्याय का पाठ करना चाहिए। इस प्रकार से ये 13 अध्याय दुर्गा सप्तशती के हैं। इससे आपको चिंता आपकी दूर हो जाती है, मुकदमे में आपकी जीत होती है, झगड़ा में आपकी जीत होती है, शत्रु से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं, मां की भक्ति प्राप्त हो सकती है, मां की शक्ति प्राप्त हो सकती है और आपका डर खत्म हो सकता है, शक खत्म हो सकता है, कार्य में बाधा समाप्त हो सकती है। बारंबार यदि आप श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, मैंने प्रयोग करके किया है कि आप 108 बार दुर्गा सप्तशती का पाठ कराएं तो आपकी हर कामना पूरी हो सकती है, वशीकरण शक्ति आपके पास प्राप्त आ सकती है, कोई व्यक्ति आपके घर से चला गया तो वापस प्राप्त हो सकता है, व्यापार में वृद्धि अवश्य होती है, धन में अवश्य वृद्धि होती है, सुख समृद्धि शांति की प्राप्ति होती है और आपको मान सम्मान अवश्य प्राप्त होगा। इस प्रकार 13 अध्याय का पाठ हर सनातन धर्मी को करना चाहिए, जिससे आपको निश्चित तौर से सुख समृद्धि शांति की प्राप्त होती है। श्री दुर्गा सप्तशती ने 90 श्लोक जो है मारण के हैं। यदि आप किसी को मारना चाहते हो, किसी को हटाना चाहते हो जीवन से, तो 90 श्लोक ऐसे हैं जिनसे मारण प्रयोग होता है। अब 90 श्लोक तो मैं यहां पे आपको बता नहीं सकता, इसलिए इसके लिए आपको व्यक्तिगत तौर से मुझसे संपर्क करना प्राप्त होगा। 90 श्लोक मोहन के हैं और 200 श्लोक चाटन के हैं, 200 श्लोक स्तंभन के हैं, 60 श्लोक विद्वेषण के हैं और 60 श्लोक ही वशीकरण के हैं। इस प्रकार से ये 700 श्लोक जो हैं मारण मोहन उच्चाटन स्तंभन विद्वेषण और वशीकरण का काम करते हैं। इसलिए मनुष्य को श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ लगातार करते रहना चाहिए, रोजाना करना चाहिए, जिससे उसके जीवन में कष्ट की प्राप्ति नहीं होगी। जो व्यक्ति मोक्ष के लिए लालित है उसको मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। इसलिए मां जगदम्बा निर्गुण अविनाशी साक्षात परम ब्रह्म सद आनंद प्रदान करने वाली कल्याण स्वरूपिणी भगवती जगदम्बिका मंगलकारिणी परम ब्रह्म स्वरूपिणी आदि माया भवानी आल्हादिनी शक्ति मां जगत जननी आदि माया को बारंबार प्रणाम करना चाहिए। और एक विशेष बात, किसी दुर्गा सप्तशती में अध्याय नंबर 5 से लेकर के 13 अध्याय मां सरस्वती के नाम पर है, मतलब वहां पर भी बुद्धि ही मेन है। आपको मारण मोहन उच्चाटन वशीकरण स्तंभन के लिए भी सरस्वती की आवश्यकता होगी, इसलिए 5 अध्याय से 13वें अध्याय तक सरस्वती की कृपा प्राप्त होती है। यदि आपको शक्ति ही शक्ति चाहिए तो आपको प्रथम चरित्र प्रथम अध्याय जिसमें देवी महाकाली का संबंध है उसको बारंबार पाठ करना चाहिए। और यदि मनुष्य मोक्ष प्राप्त करना चाहता हो, आवागमन के चक्कर से मुक्त होना चाहता हो, तो उसे संपूर्ण दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। नहीं कर सकता हो तो किसी योग्य उचित दक्ष दीक्षित ब्राह्मण से इसका पाठ कराना चाहिए। किसी अनाड़ी व्यक्ति से आप पाठ न कराएं तो ज्यादा अच्छा होगा, अन्यथा आपको कष्ट की प्राप्ति हो सकती है। जय मां कामाख्या, जय मां जगत जननी।